बाबा कहते हैं बच्चे अब ये तो है सारी पढ़ाई, एम ऑब्जेक्ट भी बड़ी क्लियर है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। तुम सभी धर्म वालों को अभी जानते हो, इस समय में सभी धर्म मौजूद है। अब फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री रिपीट होनी है, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कलप कलप हम राज लेते ही हैं। जैसे वो हद का खेल रिपीट होता है, वैसे ये बेहद का खेल है। आधा कलप का हमारा दुश्मन कौन कौन है जानते हो ना सभी, राम। हम कोई लड़ाई करके राज नहीं लेते हैं रावण से, न कोई हिंसक लड़ाई हम लड़ते हैं, न कोई जीत पहनने के लिए कोई लश्कर लेकर लड़ते हैं। ये तो ड्रामा सारा है ही हार और जीत का खेल, परंतु हार भी सूक्ष्म है, जीत भी सूक्ष्म है, आत्मा ही सूक्ष्म है, आत्मा ही हार खाती है और आत्मा ही जीत पहनती है। तो आत्मा ही स्वयं सूक्ष्म है, तो उनकी हार जीत जो भी खेल वो सूक्ष्म ही है। वैसे ये हद का खेल, जैसे वो हद का खेल रिपीट होता है, वैसे ये बेहद का खेल है, ये कोई नई बात नहीं। कलप कलप हम अपना राज लेते हैं, ये हार जीत का खेल है, परंतु हार भी सूक्ष्म है, जीत भी सूक्ष्म है। गाया गया है माया ते हारे हार है, माया से जीते जीत है। मनुष्यों ने माया के बदले मन अक्षर डाल दिया है, तो उल्टा हो गया है। ये भी ड्रामा में खेल पहले से ही बना हुआ है। बाप स्वयं बैठ करके अपना भी परिचय देते हैं, रचता को ही तो रचना का भी आकर के नाले देनी पड़ती है। रचता को और कोई मनुष्य जानते ही नहीं, तो फिर उसका परिचय भी कैसे दे सकते हैं। रचता है एक बाप, बाकी तो सारी है रचना, तो जरूर हम है रचना, तो जरूर राज भाग बाप का हमको ही तो मिलना चाहिए। मनुष्य तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, ऐसे अगर कहेंगे तो फिर तो सब रचता हो गए, फिर तो रचना को उड़ा दिया। देखो कितने पत्थर बुद्धि, इस कारण कितने दुखी हो गए हैं, सिर्फ अपनी महिमा करते रहते हैं। हम वैष्णव धर्म के हैं, गोया हम आधा देवता हैं, वैष्णव धर्म के कहला करके जैसे समझते हैं हम सबसे श्रेष्ठ धर्म वाले हैं, समझते हैं गोया आधा देवता है, समझते हैं देवताएं भी तो वैष्णव थे। वास्तव में वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है अहिंसा परमो धर्म। देवताओं को पक्के वैष्णव कहा जाता है, ऐसे तो अपने को वैष्णव कहलाने वाले बहुत है, परंतु लक्ष्मी नारायण के राज में सारी वैष्णव संप्रदाय पवित्र भी थी। अब उस वैष्णव संप्रदाय का राज है ही कहाँ, अब तो तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो, तो जरूर है ब्रह्मा भी तो होगा, तभी तो तुम्हारा नाम रखा हुआ है शिववंशी
प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां अर्थात ब्रह्मा के औलाद गाया भी जाता है। शिव बाबा आया था, उसने आकर के ब्राह्मण संप्रदाय रची, जो ब्राह्मण फिर देवता बने। अब तो शूद्र से ब्राह्मण बने हो, अभी तो सिर्फ शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। अब तो और आगे तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है। देखो ये विराट रूप का चित्र ये भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। विष्णु का ही तो विराट रूप दिखाया है, विष्णु और उनकी राजधानी ही विराट चक्कर में आती है। ये सब बाबा के विचार चलते हैं। तुम बच्चों को भी विचार सागर मंथन करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। विचार सागर मंथन करने की प्रैक्टिस करेंगे तो रात को नींद भी नहीं आएगी, यही तुम्हारा चिंतन शुद्ध चिंतन चलता रहेगा। फिर सुबह को उठ धंधे आदमी लग जाएंगे। कहते हैं ना, सुबह का साई मेरा बनने लाई, ये सुनी है ना, बाबा ने आगे भी कहा है, आगे कहते थे ऐसे हंसी हंसी में। सुबह जब घर से जाते हैं ना दुकान पर, तो फिर उसको बीच में ऐसे सोचते जाते हैं, सुबह का साई मेरा बनने लाई, कोई गंध का गूरा मत का मूरा मिलाई। मना ऐसे कोई शाहूकार, गंध का गूरा मना भरपूर, शाहूकार और मत का मूरा, बस आए देखे और खरीदारी करता जाए। इसको कहते हैं मत का मूरा, बस देखा और ले लिया। ये सिंधी पहा का है। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं कि देखो, कहते हैं सुबह का साईं, तुम भी किसको बैठ के समझाएंगे तो क्या कहेंगे, ओहो ये तो हमको मनुष्य से देवता बेगर से प्रिंस बनाने आए हैं। जब बाबा बच्चों की मामा कह रहे हैं, तुम जब किसको बैठ के समझाएंगे और उनको ये बात समझ में आ जाएंगी तो वो क्या कहेगा, अरे ये तो हमको बेगर से प्रिंस बनाने आए हैं। तो तुम बच्चों को पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए, स्थूल सर्विस बाद में, परंतु बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। खास माताएं बहुत अच्छी रीत सर्विस कर सकती हैं, माताओं को कोई धिकारेगा नहीं। सब्जी वाले अनाज वाले नौकर आदि सबको समझाना है, कोई भी रह न जाए। इधर भी समझाते हैं ना बीच बीच में, जो भी काम करने वाले होते हैं माइयां वगैरह है, उनको बीच बीच में क्लास कराते हैं। माताओं को कोई धिकारेगा नहीं, सब्जी वाले अनाज वाले नौकर आदि सबको समझाना है, कोई रह न जाए जो ले न देवे। सर्विस में दिल की बड़ी सच्चाई चाहिए, बाप से पूरा पूरा योग चाहिए, तब धारणा हो सके। सामग्री भरकर फिर पोर्ट पर स्टीमर डिलीवरी करने जाते हैं, उनको फिर घर में चैन नहीं आएगा, भागता रहेगा। समझ गए ना, बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं। ये चित्र भी बहुत मदद देते हैं। देखो कितने साफ है, कितने चित्र अच्छे हैं, साफ लिखा हुआ है, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करा रहे हैं।
अब ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। कृष्ण तो यज्ञ रच ही नहीं सकते, वहां यज्ञ रचने की जरूरत भी क्या है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। कृष्ण तो 84 जन्म लेंगे तो उनका तो नाम रूप ही बदलता जाएगा, वो फिर और कोई भी रूप में कृष्ण नहीं रहेगा। कृष्ण का पाठ तो जब उस रूप में आए तब ही रिपीट करे, उस रूप में अर्थात उसी सत्युग के समय पहले जन्म में ही जब फिर से आए कल्प के बाद, तब ही फिर उसका नाम कृष्ण पड़े और वो अपना पाठ रिपीट करे। अच्छा अच्छा मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी फिर से सुनो, क्या सुनेंगे अभी? सारी मुरली का धारणा युक्त सार केवल 2 पॉइंट्स में है। सच्चे सच्चे खुदाई किस्मतगार अथवा ईश्वरी सेल्वेशन आर्मी बनकर सबको माया से लिबरेट करना है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। दूसरी पॉइंट कौन सी होंगी? है ध्यान पे के कौन सी बात हमें ध्यान पे आनी चाहिए? जैसे कौन सी बात कंपैरिजन में? जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे एक ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी बनकर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है और सच्ची दिल से सेवा करनी है। आज का वरदान, इस मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। इस मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। बाबा कहते हैं आप बच्चे मर्जीवा बने ही हो, किस लिए बने हो मर्जीवा? गुप्ता जी सदा संतुष्ट रहने के लिए। ऐसे ऐसे शब्द हमें याद रहने चाहिए। आप बच्चे मर्जीवा बने ही हो सदा संतुष्ट रहने के लिए। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ हैं। क्योंकि रचता को अपना बना लिया तो बाप मिला, सब कुछ मिला। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उनसे भी परम गुणा ज्यादा मिल गया। बाप मिला तो बाकी रहा ही क्या, सर्वशक्तिमान मिल गया। सर्व शक्तियां मिल गई तो सब खजाने आ गए।
बाबा कहती है रचता को अपना बना लिया, बाप मिला, सब कुछ मिला, सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो तो भी उनसे भी पदम गुना ज्यादा मिला है। उसके आगे इच्छाएं ऐसी है, बाप के आगे सर्वशक्तिवान बाप मिला, उसके आगे इच्छाएं ऐसी है जैसे क्या बोलेंगे, सूर्य के आगे दीपक दिखाना। इच्छा उठने की बात ही छोड़ दो, लेकिन इच्छा होती भी है। इच्छा उठने की तो बात छोड़ो, परंतु अगर इच्छा होती भी है, क्या ये क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता है? इच्छा होती है, ये क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता। क्यों? सर्वशक्तिमान मिल गया, सब कुछ मिल गया, फिर इच्छा काहेगी? सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए याद रहे इच्छा मात्रम अविद्या। हम लोगों को ये स्लोगन बहुत पक्का था। कभी कोई पूछते थे कुछ चाहिए, ये सारी यज्ञ की बातें जब हम संगठन में रहते थे, हम कहते थे इच्छा मात्रम अविद्या, क्या चाहिए, सब कुछ मिल रहा है, आपे ही मिल रहा है। टाइम से कपड़ा चाहिए, समय आएगा आपे ही मिलेगा। चलो कुछ बीच में फटा टूटा होता है, टाइम पर मिल जाएगा, थोड़ा समय चला लेंगे, उसमें क्या है। तो संकल्प नहीं आते थे जब हम संगठन में रहते थे, कोई चीज के लिए खलास भी हो जाएंगी तो भी संकल्प नहीं आएगा जाकर के ये ले, ठीक है पूरा ही कर लेंगे, समय पर आप ही मिल जाएगा। बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति बनाओ, इच्छा होती भी है ये क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता, सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, सदा संतुष्ट मणि है आज का स्लोगन। जिनके संस्कार इजी है, वे कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। जिनके संस्कार इजी है, वे कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। पूछे है कौन ऐसा जो कैसी भी परिस्थिति में अपन को मोल्ड कर लेते हैं? हाँ, अपने आप से पूछ लेना और ऐसा अपन को तैयार कर लेना। अच्छा,